बट ये है कि बेनिफिट हुआ यहाँ पर आके तुम्हें। बहुत बेनिफिट हुआ सर, और खासकर मैं तो बिलिंग में अपना फ्यूचर देख रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली मैं क्या है ना सर, मैं यहाँ अब एक होता है हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस समझते हो? मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, जब क्लाइंट क्या करता है, किसी को काम देता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो भाई काम जो काम करना है वो तो क्लाइंट का होगा। अगर कोई भी आपको अगर कोई कहे भाई तू ये काम कर ले, तुम बोलोगे ठीक है सर मैं कर लेता हूं, पर काम करने के लिए कुछ पैसा तो दोगे ना। मतलब एक डाउट है सर, जैसे कि कहीं कहीं ना हमारा जो है ना, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लस्टर प्लान टाइप का है, मतलब जो मतलब एक टावर के अंदर तकरीबन 200 फ्लैट्स हैं। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, कहीं कहीं पर हम लोग चेक करने जाते हैं तो कहीं कहीं कुछ चीजें मिस रहती हैं, किसी भी कॉन्ट्रेक्टर का काम, तो क्या कर देते हैं हम, उनकी क्वांटिटी होल्ड कर देते हैं। क्या ये तरीका ठीक है, क्वांटिटी होल्ड करना, या फिर उसको अगली बार में उसको दे देना, सर इसमें क्या होना चाहिए? होल्ड कर देना मतलब, मैं समझा नहीं। मतलब होल्ड कर देना का मतलब ये कि हम लोग गए और हमने देखा कि उसके 5 डोर उसके लगे कंडीशन में हैं, 5 जो है ना वर्किंग कंडीशन में हैं उसके डोर्स, मान फॉर एग्जांपल, और फिर हमने सोचा कि एक में जो है ना थोड़ा दिक्कत है, तो क्या करते हैं हम लोग 5 5 दे देते हैं, मतलब 4 दे दिए और एक हाँ तो उसका वो रोक तो फिर दिए। तो वो तो है ही, वो तो है, वो होता ही है भाई। अगर आपका क्वालिटी सही नहीं हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको होल्ड करते हैं। उस पर लिखना चाहिए लेकिन कौन सा डोर होल्ड हुआ है। हाँ सुना है सर, रिकनसाइल किया जाता है काम को, काम को कहते हैं ना यार रिकनसाइल कर ले एक बारी, ठीक है? रिकनसिलिएशन होता है जो हम लोग मतलब हिसाब किताब देना, हिसाब किताब देना एक ढंग से। आपके घर वाले जब है ना, आपको मान लो 10,000 रुपए दे दिए घूमने के लिए, और जब घर से वापस आए घूम घाम के, तो बोला भैया कितना खर्चा हुआ बता मुझे, कहाँ कहाँ खर्चा किए, वो क्या कर रहे हैं, वो रिकनसाइल कर रहे हैं आपसे, आप उनको हिसाब किताब दे रहे हो। का एरिया माइनस, स्टील का वॉल्यूम माइनस नहीं होता है, मालूम है ना क्यों नहीं होता? मानो यस क्यों नहीं होता है माइनस, क्योंकि द एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन अ कंक्रीट इज वेरी मिनिमम, 2 से 3% खाता है वो, इसलिए हम उसको डिडक्ट नहीं करते। याद करना, ये लिख लेना, ठीक है? दैट्स व्हाई वी नॉट डिडक्ट एनी वॉल्यूम ऑफ स्टील फ्रॉम आरसीसी, ठीक है? अब हम चलते हैं शटरिंग पे। शटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बारी इंटरव्यूज में, कि शटरिंग में जो है मेथड ऑफ मेजरमेंट यहाँ है, ठीक है? और ये क्या कहता है, तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, बट इट्स देयर, ये भी होती है एक रिपोर्ट, ठीक है? क्या सर, कह रहे हो? क्या सर, कौन सा रिपोर्ट समझ नहीं फॉर्टनाइटली पाया, 15 रिपोर्ट, फॉर्टनाइटली, फॉर्टनाइटली, ओके ठीक है? अब देखो ये अगर एक जैसे इतने क्या होता है, हर कंपनी का अपने एक फॉर्मेट होता है, अपना एक फॉर्मेट यस होता है सर, टीपीआर का, ठीक हाँ है? उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यहां पर एक फॉर्मेट है, ये मैं तुम्हें भेज भी दूंगा, ठीक है? हेलो सिविल इंजीनियर्स, जी हाँ आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, कल अगर चैन से सोना है तो आज जाग जाइए। अगर आप बनना चाहते हैं प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर, एक क्वालिटी सिविल इंजीनियर, या आप चाहते हैं बनना एक क्वांटिटी सर्वेयर, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स आपके लिए लाया है मौका सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स को सीखने का, मात्र 399 रुपये में, वो भी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों घर बैठे सीखिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए, अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आपके पास भी वो स्किल्स हो जो आपके साथ में काम करने वाले आपके सीनियर्स के पास है, आप भी चाहते हैं आपके पास भी कम से कम समय में वो स्किल्स हो जो कि 8 से 10 साल के एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर्स के पास है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा।
दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स अपने स्टूडेंट को दे रहा है सिविल इंजीनियरिंग की सारी स्किल्स को सीखने का मौका, वो भी घर बैठे। दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स आपको सिखा रहा है एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, वो भी इंडिया और गल्फ के पैटर्न के हिसाब से मात्र 399 रुपए में। दोस्तों लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग इंटरेस्टिंग क्लासेस यहां पर होने वाली हैं सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स के। तो दोस्तों क्या है इस कोर्स का कंटेंट, क्या आप सीखते हैं 399 रुपए में, ये हम आपको बताए थे। दोस्तों यहां पर आपको सिखाते हैं प्रोफेशनल जिन्होंने 8 10 15 20 25 साल काम किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। एक दो साल वाले सिविल इंजीनियर्स नहीं सिखाते हैं, ना ही यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो से सिखाया जाता है, सिखाया जाता है लाइव ऑनलाइन क्लासेस से। आपको सिखाया जाता है स्टडी ऑफ ड्राइंग्स कैसे की जाती है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग को कैसे रीड आउट किया जाता है, कैसे वहां से क्वांटिटी टेक ऑफ किया जाता है, यूनिट कन्वर्जन कैसे किया जाता है, बार बाइंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, बीओक्यू प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, वैल्यूएशन वेरिएशन एस्केलेशन रिकंसिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन रोलिंग मार्जिन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या आरए बिल कैसे प्रिपेयर किया जाता है, DPR, WPR, MPR क्या होती है, इनकी रिपोर्ट्स को कैसे जनरेट किया जाता है, टेंडरिंग कैसे किया जाता है, रीबार प्लान शिफ्ट और एपी कोड जैसे सॉफ्टवेयर को आप कैसे यूज करते हैं, ऑटोकैड एक्सेल और मैनी मोर अदर थिंग वी विल टीच यू इन दिस कोर्स ओनली इन 399 रुपीज। कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे जिसमें कि आप एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग की एक एक छोटी से छोटी चीज सीखते हैं, एट बेसिक्स टू एडवांस लेवल का ये क्वांटिटी सर्वेइंग कोर्स है दोस्तों, वो भी मात्र 399 रुपए में। 30 डेज की लाइव ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। तो आप अगर बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर, एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, तो मात्र 399 रुपए में आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हो आप सीख सकते हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की लाइव ऑनलाइन क्लासेस से मात्र 399 रुपए में सिविल इंजीनियर की स्किल्स को। इसके बाद हम इसमें सिखाते हैं दोस्तों आपको कि एक हमारा दूसरा कोर्स है दोस्तों जिसको कहा जाता है सिविल का पोस्टमार्टम, जिसका की 30 डेज जो है ऑनलाइन, जो 60 डेज का ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस की फीस है दोस्तों केवल 999 रुपए और ऑफलाइन की फीस है दोस्तों 9999 रुपए। तो दोस्तों इसमें हम लोग आपको ISO सर्टिफाइड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं क्वांटिटी टेक मींस जो कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे अभी हमने डिस्कस किया 399 रुपए के बाद जो रेस्ट ऑफ द पेमेंट है वो कोर्स पे करने के बाद आप सीख सकते हैं दोस्तों लैंड सर्वे में ऑटो लेवल टोटल स्टेशन क्वांटिटी सर्वे के सॉफ्टवेयर, एपी कोड प्लान शिफ्ट और रीबार जैसा सॉफ्टवेयर, क्यूएक्सी के लैब टेस्ट प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल एंड इंटरनेशनल लेवल जॉब असिस्टेंस भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाता है। और कोर्स का फीस है मात्र 999 रुपए लाइव 60 डेज क्लासेस और आपको सिखाया जाता है ऑफलाइन में यही कोर्स 9999 रुपए में विद ISO सर्टिफाइड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो दोस्तों ये था हमारा सिविल का पोस्टमार्टम कोर्स मात्र 999 रुपए में ऑनलाइन लाइव क्लासेस के साथ में 60 डेज की, और ऑफलाइन क्लास में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पे करने होंगे 9999 रुपए। साथ में अगर आप सीखना चाहते हैं केवल लैंड सर्वे, अगर आप एक ITI सर्वे डिप्लोमा और बीटेक सिविल इंजीनियर है आप सीखना चाहते हैं लैंड सर्वे तो सीखिए दोस्तों ऑटो लेवल टोटल स्टेशन GPS जैसे इंस्ट्रूमेंट को प्रैक्टिकली 4999 रुपए में विद ISO सर्टिफाइड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। सेम अगेन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो दोस्तों ये अगर लाइफ चेंज अगर आप करना चाहते हैं ना दोस्तों तो परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के शॉर्ट टर्म कोर्सेज को करने के बाद एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर, एक वर्किंग सिविल इंजीनियर, एक फ्रीलांस और एक कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंट जो है अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, स्टार्टिंग कर सकता है अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने का, अपना हर वो सपना पूरा करने का जो कि वो करना चाहता है, हर वो अचीवमेंट जो लाइफ में कहते हैं ना सक्सेस होना चाहता है। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आपके पास भी वो हर खुशी हो, हर वो चीज आपके घर में भी हर रोज दिवाली मनाई जाए तो मात्र 399 रुपए से स्टार्ट कीजिए दोस्तों, लाइफ चेंज ना हो तो ये गारंटी हमारी है। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देते हैं, कंटिन्यू क्लासेस हमारी यहां से अटेंड करते हैं, डेफिनेटली यूर लाइफ विल बी चेंज, आपका कल जो है वो बेहतर हो सकता है। एक ही चीज कहेंगे दोस्तों, जिसने कहा कल वो कल कभी नहीं आया, जिसने कहा परसों पीत गए बरसों, जिसने किया आज उसने किया दुनिया पे राज। तो दोस्तों अगर आप राज करना चाहते हैं दुनिया पे तो सीखिए सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स को परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल स्किल लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस के अंदर मात्र 399 रुपए से स्टार्ट कीजिए और लाइफ चेंज कीजिए अपनी। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्स तो नीचे दिए नंबर पर आज ही कॉन्टेक्ट कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और सीखिए परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। रिकंसाइल किया जाता है काम को कहते हैं ना यार रिकंसाइल कर ले एक बारी।
ठीक है, रिकंसिलिएशन होता है जो हम लोग मतलब हिसाब किताब देना, हिसाब किताब देना एक ढंग से। ठीक, आपके घर वाले जब है ना, आपको मान लो 10,000 रुपए दे दिए घूमने के लिए, और जब घर से वापस आए घूम घाम के तो बोला भैया कितना खर्चा हुआ बता मुझे, कहाँ कहाँ खर्चा किए, वो क्या कर रहे हैं, वो रिकंसाइल कर रहे हैं आपसे, आप उनको हिसाब किताब दे रहे हो। तो सीमेंट किस में? आपका अलाउबल वेस्टेज कितना है? 10% हो, मैं आपका अलाउबल होता है 2.5%, सीमेंट के केस में 2.5% होता है, ठीक है, मैं 3% सीमेंट के केस में 2.5% है, बट अभी निकल कितना रहा है, 14, 14.5, 14.2%। तो कॉन्ट्रेक्टर क्या करता है यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस में ना 250 कर देगा या 300 कर देगा, देखेगा कितना आ रहा है मेरा, 300 कर दिया, अरे 300 नहीं यहाँ पे 275 कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो वेस्टेज दिखाने पड़ेगा, हाँ जी सर ये इतना आ रहा है, मेरा एक्स कंजप्शन कितना आ रहा है सर, मेरा 101.59 आ रहा है, तो मतलब मैं क्या हूँ अंडर, अभी अंडर एक्सेप्टेबल कंडीशन हूँ, अभी मेरा पैसा नहीं कटेगा, तो वो वेस्टेज को कहाँ एक्यूमुलेट करता है, वर्क इन प्रोग्रेस में। सर जी वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा काम, अभी इधर उधर पड़े हुए हैं, अभी बहुत सारे बैग पड़े हुए थे पता नहीं चला, वो जब तक आपका प्री फाइनल बिल नहीं हुआ था ना, जब तक वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाता रहेगा सारा का सारा, वो क्या करेगा गेम वेम सब जो खेलेगा ना वर्क इन प्रोग्रेस में खेलेगा, समझे, हमेशा कहता रहेगा वर्क इन प्रोग्रेस में है अभी, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने यहाँ पे शॉर्टफॉल दिखा दिया ना, सीमेंट का वेस्टेज ज्यादा दिखा दिया तो मेरा पैसा एकदम से कट जाएगा, क्लाइंट पैसा काट देगा, तो इसलिए वो जो है इन बिफोर प्री फाइनल बिल वो हमेशा क्या करता है वर्क इन प्रोग्रेस में ही खेलता रहेगा। अब एक होता है हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस समझते हो, मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया था मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है, जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हो, जब काम, जब क्लाइंट क्या करता है किसी को काम देता है कॉन्ट्रैक्टर को, तो भाई काम जो काम करना है वो तो क्लाइंट का होगा, अगर कोई भी आपको अगर कोई कहे भाई तू ये काम कर ले, तुम बोलोगे ठीक है सर मैं कर लेता हूं, पर काम करने के लिए कुछ पैसा तो दोगे ना, मुझे मुझे लेबर लानी है, मुझे मटेरियल खरीदना है, मुझे मशीनरी खरीदनी है, उसके लिए कुछ पैसा चाहिए, मुझे किराया चाहिए, भाई तुम्हें कहीं जाने के लिए बोल दे कोई ना, बोले कोई काम, बोले यार तू जरा वहां चला जा भाई, ला किराया मैं चला जाता हूँ, अपनी जेब से क्यों लगाऊंगा, काम तेरा है कि नहीं, काम तुम्हारा है भाई, तुम दो किराया मैं क्यों जाऊंगा अपनी जेब से लगा के, जब तक कि अपने घर का काम ना हो तब तक, घर का भी होगा तो भी मम्मी पापा को बोलो पापा पैसे दो किराया लगेगा वहां जाने का, ठीक है, ठीक है मैं कमा रहा हूँ लेकिन ठीक है, ठीक है, तो जब हम काम करते हैं कॉन्ट्रेक्टर को काम देते हैं तो कॉन्ट्रेक्टर अपनी जेब से पैसा क्यों लगाएगा किसी के प्रोजेक्ट में, एहसान तो कर नहीं रहा है आप उस पर, वो कोई एहसान तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो आपको उसको पैसा देना पड़ेगा साइट मोबिलाइज करने के लिए, ठीक है, काम दे काम करवाने के लिए उसको साइट पे मूव है, लेबर के लिए मटेरियल के लिए, हो सकता है कल कल ही कोरोना लग जाए, कोरोना काल दोबारा लौट के आ जाए, कल ही साइट बंद हो जाए तो वो तो लुट गया बेचारा, उसने सारा पैसा अपना वहां फूंक दिया मटेरियल लाने पे लेबर लाने पे, ठीक है, तो वो कहेगा सर जी काम आपका है ठीक है कोई बात नहीं, मोबिलाइजेशन एडवांस आपको देना पड़ेगा, और क्लाइंट देता भी है। मतलब एक डाउट है सर, जैसे कि कहीं कहीं ना हमारा जो ना हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्लस्टर प्लान टाइप का है, मतलब जो मतलब एक टावर के अंदर तकरीबन 200 फ्लैट्स हैं। हाँ हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, कहीं कहीं पर हम लोग चेक करने जाते हैं तो कहीं कहीं कुछ चीजें मिस रहती हैं किसी भी कॉन्ट्रेक्टर का काम, तो क्या कर देते हैं हम उनकी क्वांटिटी होल्ड कर देते हैं। क्या ये तरीका ठीक है क्वांटिटी होल्ड करना या फिर उसको अगली बार में उसको दे देना, सर इसमें क्या होना चाहिए? होल्ड कर देना मतलब मैं समझा नहीं, मतलब होल्ड कर देना का मतलब ये कि हम लोग गए और हमने देखा कि उसके पांच डोर उसके लगे कंडीशन में हैं, पांच जो है ना वर्किंग कंडीशन में है उसके डोर्स, मान फॉर एग्जाम्पल, और फिर हमने सोचा कि एक में जो है ना थोड़ा दिक्कत है, तो क्या करते हैं हम लोग पांच पांच दे देते हैं, मतलब चार दे दिए और एक हाँ तो उसका वो रोक तो फिर दिए। तो वो तो है ही, वो तो है, वो होता ही है भाई, अगर आपका क्वालिटी सही नहीं हो रहा है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो उसको होल्ड करते हैं, उस पर लिखना चाहिए लेकिन कौन सा डोर होल्ड हुआ है, का एरिया माइनस स्टील का वॉल्यूम माइनस नहीं होता है, मालूम है ना क्यों नहीं होता, यस मानो सर, क्यों नहीं होता है माइनस,
क्योंकि द एरिया ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्टील इन अ कंक्रीट इज वेरी मिनिमम, 2 से 3% खाता है वो, इसलिए हम उसको डिडक्ट नहीं करते। याद करना, ये लिख लेना, ठीक है? दैट्स व्हाई वी नॉट डिडक्ट एनी वॉल्यूम ऑफ स्टील फ्रॉम आरसीसी, ठीक है? अब हम चलते हैं शटरिंग पे। शटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बारी इंटरव्यूज में, कि शटरिंग में जो है मेथड ऑफ मेजरमेंट यहां है, ठीक है? और ये क्या कहता है, पहली कंडीशन क्या कहती है इसकी, एक तो ये हो गया, सेकंड इज नो डिडक्शन शैल बी मेड ऑफ 0.5 स्क्वायर मीटर, ये हो गया। सेकंड क्या, देखो मैं सिंपल समझा देता हूं आपको, यहां पर उसको छोड़ दो। देखो क्या है कंडीशंस, पहली कंडीशन है 0.5 स्क्वायर मीटर अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर नो डिडक्शंस, ठीक है? सेकंड, इफ इफ एरिया अबाउट 0.5 स्क्वायर मीटर टू 3 स्क्वायर मीटर, 0.5 टू 3 स्क्वायर मीटर, उस केस में क्या होता है, सपोज करो ये वॉल है आपकी, ठीक है? ये क्या है, आपकी ओपनिंग है, खिड़की है, दरवाजा है, कुछ भी है, इसका एरिया अगर 0.5 स्क्वायर मीटर से ज्यादा है और 3 स्क्वायर मीटर से कम है, तो क्या होगा, एक साइड का हम प्लास्टर डिडक्ट कर देंगे और दूसरी साइड का ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एक साइड का फुली डिडक्ट कर देंगे, एक वन साइड फुली डिडक्टेड डिडक्टेड एंड वन साइड एडेड, वन साइड एडेड, क्लियर? ठीक है भाई, एंड यस सर, नो जैम्स एंड सॉफिट विल बी एडेड, एंड नो जैम्स एंड सॉफिट्स विल बी एडेड, नो जैम्स एंड सॉफिट विल बी एडेड। जैम्स एंड सॉफिट समझते क्या होता है, जैम्स होती है वर्टिकल साइड्स, सॉफिट क्या होता है, ये नीचे वाला, और इसको क्या कहते हैं, सिल, सिल कहते हैं ना, जैम्स एंड सॉफिट, जी कोई सर, सिल, सिल। सिल, हाँ तो जैम्स क्या होता है, वर्टिकल साइड्स होती है विंडो की या दरवाजे की, सिल होती है, सॉफिट होती है लटक जो नीचे होती है, और सिल होती है नीचे, तो ये कोई भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, ठीक है? थर्ड कंडीशन क्या है, इफ एरिया इज अबाउ 3 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर से एक्सीड हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, बोथ साइड प्लास्टर विल बी डिडक्टेड, बोथ साइड प्लास्टर विल डिडक्टेड, विल डिडक्टेड एंड जैम्स एंड सॉफिट विल बी एडेड, जैम्स एंड सॉफिट सेल्स विल एडेड, ठीक है भाई, समझ गए? तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, बट इट्स देयर, ये भी होती है एक रिपोर्ट, ठीक है? क्या सर कह रहे हो, क्या सर, कौन सा रिपोर्ट समझ नहीं पाया, फॉर्टनाइटली रिपोर्ट, 15 डेज, फॉर्टनाइटली, ओके फॉर्टनाइटली, ठीक है? अब देखो ये अगर एक, जैसे इधर क्या होता है, हर कंपनी का अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक फॉर्मेट होता है सर, टीपीआर का, ठीक है? हाँ उसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यहां पर एक फॉर्मेट है, ये मैं तुम्हें भेज भी दूंगा, ठीक है? अभी इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगा। तो जैसे ये एक प्रोजेक्ट है, इसमें जैसे आप जो है पीसीसी अगर कर रहे हो आज, तो उसका प्लान डेट रहेगा, फिनिश डेट डेट रहेगा, मतलब प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल हमने सबमिट किया था उसके अकॉर्डिंग कब स्टार्ट होना था, कब खत्म होना चाहिए था, वो रहेगा। एक्चुअल स्टार्ट डेट कब है, एक्चुअल फिनिश डेट कब है, ठीक है ना? टेंटेटिव, हम एक टेंटेटिव क्वांटिटी जो है हम लोग लिख लेते, कितनी एक बीओक्यू से उठा के यहाँ पे डाल देंगे, बीओक्यू को क्वांटिटी क्या है, ठीक है ना? तो वो चीज है, यहाँ पर हम लोग इसको अपडेट करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज चल रही होती है साइड में, मेजर एक्टिविटीज, उनको हम इसमें ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर जैसे पीसीसी है, आरसीसी है,
कॉलम का आरसीसी है, कितने फ्लोर पे कितने फ्लोर के हो गए, तो ऐसे ही बहुत डिटेल में बन जाती है फिर ये। अगर ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें आप डिटेल में टावर के हिसाब से करते हो भाई, टावर कितने हो गए या कितने फ्लोर हो गए, तो बहुत डिटेल बनती है, टावर वाइज बनती है फिर ये, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, उसकी इतनी डिटेल रिपोर्ट बनती है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मैसन, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या आता है, एक्टिविटीज, जो एक्टिविटी साइट पे हो रही है, टाइलिंग वर्क हो रहा है, मार्बल वर्क हो रहा है, तो कितना हो गया वो रिकॉर्ड में आता है, ठीक है, वो आ गया। फिनिशिंग आइटम्स हो गए तो उसकी वो रिकॉर्ड होता है, जो एक्टिविटी साइट पे हो रही है वो रिकॉर्ड होती है। फिर यहाँ पर मैन पावर डिप्लॉय, कि भैया मैन पावर कौन कौन से हैं, और एज पर रिक्वायर्ड जो प्लान हमने सबमिट किया था प्रोजेक्ट के टाइम पे, कि भैया हम इतने मैन पावर रखेंगे इस ड्यूरेशन के अंदर या इस मंथ में, क्या वो हम अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर होता है रिक्वायर्ड एज पर शेड्यूल, और यहाँ पर होता है डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मतलब आज कितने हैं डिप्लॉय, एक्चुअल डिप्लॉयमेंट कितना है। फिर यहाँ पर आता है, ये है आपका मैन पावर का। फिर यहाँ पर है स्टाफ का, स्टाफ में आते हैं स्टाफ मतलब इंजीनियर्स वगैरह जो है उनका यहाँ पर आता है, ठीक है। तो एक्चुअल रिक्वायर्ड कितने थे और हैं कितने डिप्लॉय, उसका आएगा, ठीक। फिर आएगा आपका सीमेंट का, कि भैया सीमेंट जो है कितने बैग्स जो है आज तक दे चुके हैं और कितने कंज्यूम हो चुके हैं और कितना स्टॉक में है, एक मोटा मोटा जो है आइडिया यहाँ पर लगता है, ठीक है। उसके बाद अब तक जो है वो कंज्यूम कितने हो गए वो भी डिटेल यहाँ पर है, बैलेंस कितने हैं वो भी डिटेल है। उसके बाद स्टील, स्टील कितना आपने कितना डाया का अब तक आया है, कितना कितना आया है वो रहेगा, और कितना जो है अभी आपके इस कंज्यूम कर चुके हो, मतलब बिल कर चुके हो, कितना बिल कर चुके हो, ठीक है, बिलिंग में कितना कंज्यूम क्लेम कर चुके हो वो, और बैलेंस इन स्टॉक कितना स्टॉक में है वो रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर इक्विपमेंट का रहेगा, कितने इक्विपमेंट आपके होने चाहिए थे कितने हैं, मतलब डीजी वगैरह, वाइब्रेटर, अर्थ एक्सकवेटर हो गया, जेसीबी हो गया, टावर क्रेन्स हो गया, या फिर आपके जिस हाइड्रा हो गया, जो भी आपके आइटम्स है, जो भी मशीनरी आइटम्स है वो यहाँ पर आके आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अगर आपका कोई डिसीजन है, मतलब कि क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि भैया कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वेरिएशन है, वेरिएशन कोई अप्रूवल के लिए गया हुआ है, कोई या कोई बिल है जो पेंडिंग है, या फिर कोई ड्राइंग है जिस पे कोई डिसीजन आना बाकी है क्लाइंट के एंड से या कंसल्टेंट के एंड से, कोई डिस्प्यूट है जो सुलझ नहीं रहा है, तो वहां हम क्या करेंगे, डिसीजन एंड पेंडिंग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अब वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिखेंगे कि क्या क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, एक मोटा मोटा यहाँ पर डाल देंगे छोटा सा कॉलम, ठीक है, समझिए। यस सर, तो अलग अलग ये रिपोर्ट हमारे यहाँ उल्टा, मतलब बहुत, हमारे यहाँ इतना ब्रीफ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो बहुत समराइज होता है, इतना ब्रीफ नहीं होता। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी समराइज दिखाऊंगा, इससे भी ब्रीफ दिखाऊंगा, तुम कहोगे सर जी इतना तो, इतना कौन करता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में डीपी, क्योंकि ये डीपीआर रिपोर्ट क्यों जरूरी होती है मालूम है, क्यों जरूरी होती है, प्रोजेक्ट को मतलब रिकॉर्ड देखने के लिए, मतलब ट्रैक करने के लिए इससे फायदा एक। क्या होता है, नुकसान इससे फायदा क्या है क्लाइंट को और कॉन्ट्रेक्टर को, क्लाइंट को ये पता रहता है कि एक्चुअल में अभी प्रोजेक्ट कितना बाकी है और कितनी बिलिंग इसकी हो, इस मंथ में होनी है, मतलब जिस हिसाब से ये चल रहा है प्रोजेक्ट, तो अप्रोक्स कितनी बिलिंग हो जाएगी। और कॉन्ट्रेक्टर को ये फायदा हो तो जाता है कि हमको उस टाइमिंग में, टाइमिंग फ्रेम में ही काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, एक्चुअल रिपोर्ट पता चल जाती है। और कल की डेट में कभी मतलब प्रोजेक्ट डिले हो गया तो इससे ये पता चल जाएगा रीजन क्या था, क्लाइंट के एंड नॉलेज तो मैंने दे दिया है और सब कुछ बताया है, जी उसके बाद भी अगर तुम नहीं करोगे उस दिन तो मेरे को मत बोलना भाई, मुझे गालियां मत देना, मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है जी। तो ये 8 MM का ये जो है ये क्या है, ये थ्योरिटिकल वेट है, ये क्या है थ्योरिटिकल वेट, ठीक है, थ्योरिटिकल वेट है, सर, एक्चुअल वेट क्या होगा, क्या होता है जब आप साइट पे, जब आपका सरिया आता है ना, सरिया जो सर आता है वो सरिया जो है आपका लॉट आया, आपने क्या करते हो, लॉट में से 3 सैंपल भेजते हो लैब में टेस्ट के लिए, ठीक है, ठीक हर लॉट में से सैंपल भेज देते हो, और फिर जो एमटीसी आती है मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, डिफरेंस इन एक्चुअल एंड थ्योरिटिकल वेट, डिफरेंस इन एक्चुअल वेट एंड थ्योरिटिकल वेट, एक्चुअल वेट क्या है जो आपको टेस्ट रिपोर्ट से मिलता है, थ्योरिटिकल वेट क्या है विच यू गॉट फ्रॉम द टी स्क्वायर बाय 162, बट ये है कि बेनिफिट हुआ यहां पर आके तुम्हें,
बहुत बेनिफिट हुआ सर, और खासकर मैं तो बिलिंग में अपना फ्यूचर देख रहा हूँ कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ से एक्चुअली मैं क्या है ना सर, मैं हमने यहाँ खुद यही किया है 18-20 साल, अब तक भी यही कर रहे हैं। हमें पता है कि कौन सी चीज एक्चुअल होती है, क्या चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, क्या चीज रियलिटी है, ग्राउंड पे क्या चीज मांगता है क्लाइंट, या एक इंजीनियर जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या चीजें हैं बिल्कुल वहां पर। क्योंकि उसे ये नहीं मालूम है, उसे ये नहीं पूछना है कि किताबों में क्या लिखा है, उसे ये पूछना है कि एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। तुम सही बात है रियलिटी, सर, ये तुम्हें तब पता चलता है जब तुम काम, जब तुम, तुम्हारे जो बोलने के तरीके से, तुम्हारे लिखने के तरीके से, तुम्हारे को एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करने